हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, मंडे का दिन है और सुबह के करीब 7:45 बजे का टाइम हो रहा है। तो सुबह उठते ही सबसे पहले, जैसे कि आपको पता ही है, अपने सारे ये कर्टेंस वगैरह मैं हटा देती हूँ ताकि एक रोशनी आ जाए अंदर। और मिल्क भी आ चुका है, तो एक बार 6 बजे उठ के जो है ना, मैं मिल्क लेने के लिए बाहर गई थी, उसके बाद अगेन लेट गई, फिर मैं उठी हूँ 7:45 बजे। अच्छा, आज मंडे है और आज इनको ऑफिस जाना है, तो करीब 2.5-3 महीने के बाद ये ऑफिस जा रहे हैं। तो आज ना बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब आज लग रहा था कि फाइनली वो पहले वाले जो दिन होते ना वो आ गए हैं, जब हस्बैंड ऑफिस जाते हैं और अब कुछ टाइम बाद जो है बच्चों के स्कूल भी खुल जाएंगे। तो बस अभी जल्दी से जो है ना, मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि उनके लिए मुझे लंच भी पैक करना है, सुबह का ब्रेकफास्ट भी जल्दी से बनाना है। तो मैंने आधी तैयारी ना रात को ही करके रख दी थी, तो मेरा डिसाइड था कि मैं अगले दिन जो है क्या क्या बनाने वाली हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी इडली, सांभर, चटनी, और साथ ही साथ लंच के लिए मैं बनाऊँगी भिंडी की सब्जी, रोटी और रायता। तो आधी सब्जी तो मैंने जो है नाइट में ही कट कर ली थी, सांभर वाली, लेकिन थोड़ी बहुत जो लौकी रहती थी वो मैंने जो है सुबह ही कट करी, क्योंकि वो नाइट में कट नहीं कर सकते थे। अब इधर जो है ना, मैंने दाल रखी है और सारी की सारी सब्जी जो है मैं उसमें ऐड कर दूंगी, और 1 चम्मच नमक डाल के जो है ना इसको बॉयल करने के लिए चढ़ा दूंगी। तो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, मतलब मुझे ना यही वाली लाइफ अच्छी लगती है कि हस्बैंड ऑफिस जाएं, बच्चे स्कूल जाएं, वो टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया, मतलब 2.5-3 महीने तो मैं बोल रही हूँ, बट उससे ऊपर ही हो गया है इनको ऑफिस गए हुए। और बच्चों के स्कूल तो बस अभी खुले ही नहीं है, लेकिन हाँ वो भी जल्दी ही खुल जाएंगे। तो एक तरफ तो जो है मैंने सांभर के लिए दाल चढ़ा दी है, दूसरी तरफ मैं सूजी भिगा देती हूँ तब तक, क्योंकि सूजी की मैं इडली बनाऊँगी, और दही मैंने नाइट में ही जमा के रख दी थी, तो दही में मैं सूजी भिगा रही हूँ। सूजी को जो है मैंने भीगने के लिए रख दिया है, तो 15 से 20 मिनट सूजी को भीगने में लगते हैं, उतनी देर में मैं अपने और काम निपटा लेती हूँ। तो सबसे पहले तो ये दूध है ना जो इसको बॉईल करने के लिए मैं चढ़ा दूंगी, और उसके बाद फिर मैं तैयारी करूंगी सब्जी बनाने की, क्योंकि भिंडी मैंने नाइट में ही धो के रख ली थी, और अभी भिंडी काफ़ी ज़्यादा महंगी मिल रही है ना, क्योंकि नई नई भिंडी आ रही है, बाद बाद में तो सीज़न में फिर सस्ती हो जाती है। तो 1 पाव के करीब मैं भिंडी लेकर आई, तो यहाँ पर मैं भिंडी कट कर लूँगी लंबी लंबी, और साथ ही साथ ना इसमें मैं प्याज भी ऐड करूँगी, तो 2 प्याज डाल के मैं भिंडी बनाऊँगी। और वैसे तो दोपहर में इडली सांभर भी मैंने दे सकती थी टिफ़िन में, लेकिन मुझे खुद ही नहीं अच्छा लग रहा था कि सुबह नाश्ता भी वही करके जाएंगे और फिर अगेन दोपहर में वही सब इनको खाना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं अलग अलग जो है बना लेती हूँ। हालांकि इतना सारा काम करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन मेरे पास 1 ही घंटे का टाइम था, क्योंकि करीब 9:15 बजे इनको ऑफिस के लिए निकलना था। तो चलिए इधर जल्दी से जो है सब्जी में लगा लेते हैं तड़का। तो मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है, थोड़ा सा मैंने जखिया डाला है, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज, और प्याज ऐड करने के बाद 1-2 मिनट तक उसको भूनूंगी, और उसके बाद जो है मैं इसमें ऐड कर दूंगी भिंडी। अच्छा, नई नई भिंडी है ना अभी, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी सब्ज़ी बनती है इसकी, एकदम करारी करारी सी टेस्टी सब्ज़ी बनती है। बट आज ये भिंडी सिर्फ इतनी ही थी कि यही ऑफिस ले जा सके, बस उसके अलावा ये थी रही कि और भी कोई लोग खा सकते। और भिंडी और प्याज को जो है ना मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है, और साथ ही साथ इसमें बेसिक मसाला है ना वो भी ऐड कर लिया है, और अब इसे मैं ना एक बार ढकती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको खुला करके पकाती हूँ। तो इधर जो है भिंडी की सब्जी भी मैंने फ्राई कर ली है एक तरफ, जल्दी से चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो आज मैं बनाऊंगी मूंगफली की चटनी, तो सबसे पहले हम मूंगफली को भून लेंगे, और आप लोगों की डिमांड पे ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने आप लोगों से पूछा था, तो आपने बोला था कि हाँ दीदी हमें जो है ना ये वाली चटनी की रेसिपी चाहिए। तो इधर मूंगफली को मैंने भून लिया है, अब जो है ना इसमें मैं पानी ऐड करूंगी। अच्छा, पानी डालने से 2 चीज़ें होती, एक तो छिलके ईजिली निकल जाते, और आप इस टाइम पर इन्हें छिलकों के साथ भी पी सकते हैं, क्योंकि छिलके जो है ना मूंगफली के बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, तो फिर वो खाने में बुरे नहीं लगते। तो मैं जितने थोड़े बहुत छिलके निकलेंगे वो निकाल दूंगी, बाकी के जो है ना मैं मतलब पूरा चटनी पीस लूंगी। चटनी बनाने से पहले मैं इडली चढ़ा रही हूँ, तो मैंने ईनो के पैकेट मिला लिए, 1 और 1.5, मतलब 1.5 पैकेट के करीब मैंने ईनो मिलाया है इसमें, और बस अभी जो है इडली चढ़ा दूंगी मैं। इडली का मेरे पास बर्तन भी है, लेकिन मैं ना अब कढ़ाई में ही रखती हूँ ये स्टैंड, क्योंकि वो बर्तन में मुझे लगता है कि कुछ अजीब सी बनती है, और कढ़ाई में बहुत अच्छी सी फुली फुली बनती है। तो ये देखिए, एक तरफ जो है मैं इडली भी चढ़ा दूंगी, और उधर सब्जी भी जो है ऑलमोस्ट बन के रेडी है।
और मूंगफली को जो है मैं 5 से 7 मिनट तक जो है भीगे रहने दूंगी। तो इधर सब्ज़ी को मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ एक बाउल में, क्योंकि इसी कढ़ाई में जो है मुझे बनाना है सांभर, क्योंकि एक कढ़ाई ऑलरेडी मेरी इडली के लिए लग चुकी। मस्टर्ड ऑयल डाला है मैंने कढ़ाई में, वो गरम हो गया है, तो फिर मस्टर्ड सीड्स डाले हैं, साथ ही साथ 2 लाल मिर्च डाली हैं साबुत, और प्याज कट करके डाले हैं। और यहाँ पर आप चाहे तो ज़्यादा भी मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन हमारे घर मिर्च ज़्यादा कोई खाता नहीं है, तो इसलिए मैंने कम डाली है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कड़ी पत्ता, और कड़ी पत्ता ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टमाटर। तो कभी तो मैं दाल के साथ ही बॉईल कर देती हूँ, बट आज मैंने दाल के साथ नहीं बॉईल किया है, इसलिए मैंने अलग से टमाटर ऐड कर दिया है। अब इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं, और साथ ही साथ मैंने इसमें सांभर मसाला भी ऐड कर दिया है। अब मसाले को बहुत अच्छे से भूनेंगे, और जैसे ही मसाला भून जाएगा इससे ऑयल सेपरेट हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें जो दाल है और सब्जियां हैं जो कि बहुत अच्छे से गल चुकी है इसको ऐड कर देंगे, और लास्ट में इसमें हम इमली का पानी ऐड कर देंगे। अच्छा, चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने इसमें लहसुन की कलियाँ डाली है, साथ ही साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ खूब सारा धनिया, और मूँगफली भी मैंने छिलके से ही डाल दी थी। अब इसमें मैंने नमक ऐड किया है, इसमें मैं 2 हरी मिर्च ऐड करूँगी, और साथ ही साथ अब मैं इसमें ऐड करूँगी दही, और दही डाल के हम इसे पीस लेंगे, लेकिन सिर्फ दही में ही नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी भी इसमें ऐड करेंगे। तो ये देखिए चटनी पीस चुकी है, थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी तो मैंने इसमें पानी डाल लिया है, इसको थोड़ा सा जो है ना पतला कर लिया है। अब इसमें मैं 1 नींबू निचोड़ दूंगी ताकि चटनी और भी अच्छी हो जाए, नींबू से जो है ना चटनी का फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पर चटनी हमारी ऑलमोस्ट डन है, अब इसमें लास्ट काम रहता है तड़का लगाने का। तो ये लीजिए तड़का भी लग चुका है, कड़ी पत्ता मस्टर्ड सीड्स का तड़का मैंने इसमें लगाया है। और अब मैं बना लेती हूँ जल्दी से ऑफिस के लिए इनके लिए रोटियाँ, क्योंकि ये लंच में रोटी ही ले जाएंगे, तो यहाँ पर जल्दी जल्दी रोटी बना रही हूँ। बाकी का सारी चीज़ जो है बन चुकी है, इडली भी तैयार है, लेकिन थोड़ा देर मैंने उसे कढ़ाई में ही रखा है ताकि वो और भी अच्छे से पक जाए। थोड़ी सी आदत जो है ना वो छूट गई है सुबह उठ के जल्दी जल्दी काम करने की, क्योंकि पहले तो आदत थी, बच्चे स्कूल जा रहे थे जब तक, अभी बीच में फिर वो आदत ख़राब हो गई। बट ये थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन बहुत अच्छा भी लगता है, सुबह सुबह ना सारा काम बहुत जल्दी निपट जाता है। तो यहाँ पर रोटी मैंने बना ली है, इनके लिए टिफ़िन पैक कर रही हूँ, तो एक टिफ़िन में मैंने सब्जी रखी है, और मैं पहले 3 रोटी रख रही थी, फिर इन्होंने मना कर दिया कि नहीं मुझे 2 ही खानी है, तो रोटी रख दी है। और खीरे भी मैं लेकर आ गई थी नाइट में ही, तो यहाँ पर आधा खीरा जो है मैं कद्दूकस कर लूँगी, और दही ऐड करके इसमें ना हल्का सा बस काला नमक डालूँगी, और रायता बनके तैयार है। और भिंडी की सब्ज़ी के साथ ना रायता बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और पराठे हो तो कहने ही क्या, बट इन्होंने पराठों के लिए मना कर दिया, तो फिर मैंने रोटी ही बनाई है। यहाँ पर रायता भी बनके बिल्कुल रेडी है, उसको भी मैंने टिफ़िन में ट्रांसफ़र कर ली, और अब एक टिफ़िन में मैं इनके लिए थोड़ी सी चटनी भी डालूँगी। तो बस ये देखिए इनका जो है लंच भी तैयार है, मेरा पूरा मतलब नाश्ता बनके ना 9:15 बजे तक मैंने अपना सारा काम कर लिया था, नाश्ता वगैरह सब कुछ हमारा रेडी था। ये देखिए टिफ़िन मैंने अभी रख दिया है टेबल पे, तो ये जाएंगे तो फिर लेते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर इनकी हो गई है ऑफ़िस जाने की तैयारी, तो बस ये ऑफ़िस के लिए निकल चुके हैं, और अब जो है बच्चे और मैं नाश्ता करूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपनी प्लेट भी लगा ली है, और बच्चों को मैंने पहले ही दे दिया था। तो यहाँ पर चटनी है, सांभर है, और इडली देखिए कितनी अच्छी बनी है, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट, बहुत स्पंजी इडली बनी थी। अच्छा, नाश्ता वगैरह करने के बाद ना किचन की हालत जो हुई थी ना आज, क्योंकि इतना सारा जो है चीज़ें बनी थी ना, तो फिर ऐसे ही होता है, किचन की पूरी हालत ख़राब थी। तो जल्दी जल्दी से पहले मैंने बर्तन वाला जो काम है वो निपटाया, क्योंकि बर्तन ही बहुत ज़्यादा हो गए थे। और नॉर्मली क्या होता है कि मैं नाश्ता बनाती रहती हूँ, और ज़्यादा मतलब जल्दीबाजी नहीं होती है ना कि ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, तो फिर बर्तन मेरे जो है साथ के साथ धुलते रहते हैं। बट आज तो मुझे थोड़ा सा जल्दी थी, तो बर्तन मैंने कोई भी वॉश नहीं किया उस टाइम पे, बस ये था कि इनको जल्दी से मैं ऑफिस भेज दूँ, बस ये लेट ना हो। अच्छा, इधर जो है मैंने काउंटर टॉप अच्छे से क्लीन कर लिया है, अभी स्क्रबर की हेल्प से भी मैं क्लीन करूँगी, और हॉब भी क्लीन करूँगी। और आज थोड़ा सा ऑयल जो है मेरे बर्नर में गिर गया है, तो इसको भी अब मुझे किसी और चीज़ से क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो स्क्रबर है ना से ढंग से क्लीन हुआ नहीं। तो अभी मैं देखूंगी मैं किस चीज से इसको क्लीन करूं। तो ये देखिए
किचन पूरा क्लीन हो चुका है और बस बर्तन भी सारे वॉश हो गए हैं और किचन के काम से जो है मैं सुबह जल्दी ही फ्री हो गई थी आज। और यहाँ पर अब जो है वंशिका के बाल बना देती हूँ, तो बच्चे भी नहा धो के रेडी थे, इनके बाल वाल बना दूंगी, फिर थोड़ी बहुत देर में ये लोग ट्यूशन चले जाएंगे। तो चलिए इस वाले वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो ये था मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।